गया है तो भैया ऐसा है कि जब हम लोग चले हैं अपने कॉलेज से तो हमारा एक दोस्त है शिव चतुर्वेदी जी। अब शिव चतुर्वेदी जी कहने लगे कि भैया आप स्टैंड अप बहुत अच्छा करते हो, कर दो देखो ट्राई करके। तो बोले भैया देखो आज तक जिंदगी में तो स्टैंड अप किए नहीं, जॉब किए तो बैठ के किए। तो हम बोले कि भैया होगा नहीं हमसे। तो बोले कि अरे कुछ नहीं करना है, इधर उधर देखिए, जो दिखे बोल दीजिए। हमने बढ़िया है। तो वही सोचते सोचते आ रहे थे, तो आ रहे थे अपना स्टेशन पे ही बैठे थे अभी नागपुर, तो देख कर रहे हैं कि भिखमंगा, ये भिखमंगा का बहुत प्रॉब्लम है भैया। भिखमंगा बहुत तरह का, एक इनिशियल वाले जो स्टार्टिंग कर रहे हैं अभी, वो क्या है कि नॉन रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं, सीधे आए खड़े हो गए, और कुछ नहीं रहे, मांग कुछ नहीं रहे, सामने वाला बंदा जिससे मांग रहे वो भी वैसे ही अब बेचारा बैठे बैठे ऊपर उठाया पेपर चल दिया, पीछे पीछे वो भी उठा। तो ये एक तरह का भिखमंगा है। फिर उठा के चला, बस ट्रेन आ गई, ट्रेन में बैठे। तो ट्रेन में बैठे तो सामने हमारे एक अंकल बैठे थे, बहुत इरिटेट कर रहे थे, बहुत देर से पका रहे थे, करीब 2 घंटा चाटे। क्या करें, तो भाई धन्यवाद, धन्यवाद किसका, तो भिखमंगे का, एक भिखमंगा आ गया। अब आया तो भैया उससे अंकल डर गए, आप लोग भी कभी कभी डरते हैं, बैठ के बोल ही रहते तब तक पीछे से आवाज है, ए देना। अंकल उठ के बोले नींद आ रही है ना, नींद आ रही है, अब तो चलते थोड़ा आराम करते हैं, रिजर्वेशन कराए हैं, असूल करना चाहिए, चलते हम ऊपर, थोड़ा लेट रहे हैं आपको, ए देना, चल रहे हम ऊपर सो रहे हैं, उठा लीजिएगा तो ठीक है। बोले हाँ अंकल आप आराम दीजिए, ठीक। बेचारे चढ़े उठे उठाए लगा के सो गए। अब वो आया बेचारा, मांग मांग के चला गया। मैं सोचा चलो अंकल से तो पीछे छूटा कम से कम, मगर अंकल से पीछा कैसे छूटता, वो इंतजार कर रहे थे कब जाए तो हम उतरे। जैसे गया तो चादर हटाए मेरा नजर गया, हम ए चादर डाले सो गए, पता नहीं नींद लगा क्या लगा। 10-20 मिनट बाद उनका स्टेशन आया, हम उठा के बोले अंकल आ गए जाइए। तो बोले हाँ ठीक है बेटा, चले गए। मेरा भी थोड़ा सा फिर बैठे बैठे नींद जैसा लग गया, नींद लगा तो बताइए, इतना भिखमंगा के बारे में सोच लिए, नींद में भिखमंगा आ गई। अब भिखमंगा भी स्टैंड नाना पाटी का, अब बताइए नाना पाटी का भीख मांगने लगा के, बोल रहा अच्छा इतने बड़े आदमी से भीख मंगवा लो, अच्छा ये चलते। सामने वाला बोला कितना हट्टे कट्टे हो यार, काम हम क्यों नहीं करते यहाँ पे आके, ए क्या लेक्चर सुनने नहीं आया यार, 2 रुपया 5 रुपया देगा उससे मेरा घर नहीं चलेगा, बात करता है मराठा, तुझे पागल दिखता है, पागल दिखता हूँ मैं तुझे, ठीक मान रहा हूँ, तू देगा 2 रुपया 5 रुपया ऐसा नहीं करेगा मेरे पे। सामने संजय दौली बैठा थे, संजय दौली थे डराकू लोगों से वो भीख मांगते हैं जिनके ऊपर किसी का हाथ होता है। अगर भीख मांगने का इतना शौक है तो गाना गाते हो ना, ए मेरे ऊपर किसी का हाथ नहीं होता, सुबह से शाम तक मेरा ही हाथ मेरे ऊपर होता है। नींद टूटा तो फिर क्या, सामने गाने वाले भी भिखमंगे
गाने वाले भी मांगे भैया, एक जमाने में गाना गा के मांगते थे सीडी वाले साईं बाबा, अब तो जमाना है नहीं, वो भी मांगे भी आजकल भूचल हाँ, वो सोच रहे कि भैया ये गाना गाएंगे चार नाट ना मिलेगा, इससे होगा नहीं, तो क्या करे, तो वो पता लगाते हैं कि कौन सा गाना मार्केट में चल रहा है, नया गाना चल रहा है। एक भीख मंगा चढ़ा सामने डफली लेके, अंधा बेचारा साथ में बच्चा चल के वेट कर रहा है, ट्रेन वहाँ खुले तो हम गाना गाए, अब खड़ा है ट्रेन खुला तो बच्चा है बेचारा वो भी तैयार हुआ है तुझ में पूरी बोतली का नशा, बोतली का नशा, अल्लाह मैं सरे आम हुए। बच्चा पीछे से डार्लिंग तेरे लिए बवाले जान हुए, डार्लिंग तेरे लिए। तो वो एक भिखमंगा जैसे तैसे करके यहाँ पहुंचे, अब यहाँ पहुंचे तो कहा देखते आ यहाँ ऑडिशन मतलब ये करने, तो अभी बताइए ऐसा नंबर भी दे दिए स्लॉट नंबर की, बताने में शर्म लग रहा है, बार बार आके पूछ भी रहे हैं कितना है कितना है, और क्या बोले 6 है ऐसा नंबर भी दे, तो बोले कोई बात नहीं चलो ठीक है, अब तो मिल गया। तब तक से तो बॉम्बे टाइम्स का छपा हुआ था सामने बड़ा पोस्टर, वो एक मोटा भाई थे, तो हमारे शिव चतुर्वेदी जी को बड़ा प्रॉब्लम, बोले भैया ये कौन सा जीव है, भैया ये जीव नहीं है, ये मतलब सुमो कहते हैं, सुमो कहते हैं, सुमो है एक आदमी है, तो बोले कि मतलब ये समझ में नहीं आ रहा ये बनते कैसे है, कोई मशीन है कोई फैक्ट्री है मतलब क्या, मतलब बनते कैसे है, अरे ऐसे मत बोलो मार करवाओगे तुम, नॉर्मल आदमी है नॉर्मल, नहीं तो ठीक है मगर एक बार में आ जाते हैं पूरा नहीं वैसे मत करो, वैसे बात करो क्या लगता है, तो बोले नहीं मतलब ठीक है, तो यहाँ इसको बुलाया क्यों है, क्या करेंगे, क्या जमीन दबाना है क्या, मतलब समुद्र का गहराई बढ़वाना है क्या, क्या मतलब क्या करवाना है, वैसे मत करो मार करवाओगे तुम, चुपचाप देखो आगे, अभी ठीक है भैया मगर अभी डाउट है, मतलब ऐसे नंगे पुंगे रहते हैं सर्दी नहीं लगता है, अरे सर्दी लगता है बात कर रहे हो, अरे सर्दी इनको लगेगा, एक समय यही सर्दी को लग गए थे, अब सर्दी को ये लग गए तो समझिए कि गांव में पूरा 2 साल तक सर्दी नहीं आई, अब गांव वाले आके इनसे पैर भी किए हैं कि भैया आप गांव छोड़ दीजिए, बच्चे जो है लिक्विड हो रहे हैं, तो लिक्विड हो रहे हैं, अरे तो 2 साल सर्दी नहीं पड़ा, गर्मी बहुत पड़ गया, गर्मी बहुत पड़ गया तो नर्स और जाती है बाहर से, मुबारक हो बेटा हुआ, एक मग बेटा दे के चल जाती है, भैया गाँव छोड़िए, तो मान तो नहीं रहते हैं भगवान आदमी, मगर जब इनके घर बेटा हुआ तब माने, एक ड्रम भिजवा दिया हुआ है, तो बहुत गलत बात है, अब तो गाँव छोड़ दिए, मतलब फिर छोड़ दिए, नॉर्मल है, अभी सर्दी वर्दी आती है टाइम टू टाइम, फिर बोले कि भैया ये तो ठीक है मगर लिक्विड का बात की ठीक है मगर ये नहाते कैसे है, अरे ऐसे बोल बात नहाने का सिंपल है, नहाने का बहुत सिंपल है, एक बार में पूरा बाथरूम में नहीं जाते हैं, तो क्या किए हैं कि एक रूटीन बनाए हैं, आज हाथ नहाएगा आज पैर आज मतलब ऐसे सिर नहाएगा, तो मतलब जिस दिन इनको कंप्लीट नहाना होता है ना तो दिन भर का शेड्यूल है, सुबह मतलब वही 3 बजे का अलार्म लगा देते हैं, उठे पानी वाले डाल दिया ऊपर, अपना नाश्ता पानी कर रहे हैं, लंच वंच कर रहे हैं, डिनर का टाइम होते होते समझे पानी जो है निकल जाता है, पानी पैसे उधर गया अपना, फिर रात भर अपना रगड़ हुआ उधर, टावल वावल मारे सुखा होगा, एक दिन कंप्लीट का काम है, तो हम बोले हाँ ये तो शिव चतुर्वेदी जी बोले तो बड़ा दिक्कत है भैया इनके साथ, बहुत खतरनाक, मुझे कैसे होते हैं, बोले अरे होते कैसे बार बार मत पूछो, पहले एक बार सोचो कि होते कैसे है, जब होते हैं ना तो म्यूनसिपलिटी को कॉल लगाते हैं भैया ट्रक लेके आ जाइए, फिर फायर ब्रिगेड को कॉल लगाते हैं भैया आ जाइए बैठ रहे हैं स्टार्ट हो रहे हैं, तो उधर से चलते हैं ट्रक ट्रक लेकर के आए हुआ इनका, तो फिर म्यूनसिपलिटी वाले आए बोले हो गया भैया, हाँ ले चलो ठीक है भैया, थोड़ा नेक्स्ट ले रहे
8 मिनट तो खड़ा रहना है, उसके बाद तो कुछ करना नहीं है, उस हिसाब से तो मेरा 8 मिनट हो गया है लगभग, तो मेरा तो हो जाना चाहिए। जय राम जी।